नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। भारत में कोविड 19 के मामले एक बार फिर से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आलम यह है कि महाराष्ट्र में नागपुर में इसके बढ़ते मामले को देखते हुए जहां लॉकडाउन लगाया गया है, वहीं पंजाब के कुछ इलाकों में नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा की जा चुकी है। केंद्र और राज्य सरकारों दोनों ही स्थिति पर अपनी कड़ी निगाह रखे हुए हैं और लगातार रोकथाम के उपायों की समीक्षा भी की जा रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना मामले में आई तेजी के मद्देनजर पहले भी 3 जिले में लगाया गया था। उस वक्त कहा गया था कि लोग इसको लेकर लापरवाह हो रहे हैं। वर्तमान में जिन राज्यों में कोरोना संक्रमण के सबसे अधिक मामले सामने आए हैं, उनमें महाराष्ट्र 7,067, पंजाब 667, कर्नाटक 345, गुजरात 239, हरियाणा 259, छत्तीसगढ़ 192 और दिल्ली 120 है। इसके अलावा जहां पर कोरोना के मामले में जबरदस्त गिरावट देखी गई है, उनमें केरल शामिल है। आपको बता दें कि भारत में दिसंबर 2020 के बाद सबसे अधिक मामले बीते 24 घंटे में सामने आए हैं। वहीं दूसरे देशों की बात करें तो बुल्गारिया में लगातार 7वें दिन भी कोरोना के मामले में तेजी आई है। फिलिस्तीन में बीते 3 सप्ताह के अंदर 45% मामले बढ़े हैं। रॉयट्स के मुताबिक दुनिया के 59 देशों में कोरोना के मामले में तेजी देखने को आई है। ब्राजील, अमेरिका, फ्रांस, इटली समेत अन्य देशों में बड़ी संख्या में कोरोना के मरीज सामने आए हैं। इसी तरह जो मौतों के मामले हैं वो ब्राजील, अमेरिका, मेक्सिको, रूस और इटली में तेजी देखने को मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।